हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडो फाइट्स। तो सबसे पहले अपन ये जाने कि स्टीलर सिस्टम क्या होता है। तो स्टीलर सिस्टम की जो स्टील की जो स्टील की शुरुआत सबसे पहले टेरिडो फाइट्स में हुई थी। टेरिडो फाइट्स आप जानते ही होंगे। टेरिडो फाइट्स को अपन सबसे पहला फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट्स का मतलब ये है कि इनमें सबसे पहले रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले स्टील का ओरिजिन हुआ, इसलिए इसे अपन बोलते हैं स्टीलर सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंतर्गत हमको क्या देखना है, तो पहले अपन जानते हैं कि स्टीलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टील सिस्टम क्या होता है, स्टील प्लांट के मिडिल पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, स्टील प्लांट के मिडिल पार्ट में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें यह एक प्रकार का कंडक्टिव टिश्यू है। कंडक्टिव टिश्यूज हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत पेरिसाइकल भी आता है, इंडोडर्मिस भी और साथ में सेंट्रल पार्ट होता है पीथ। तो स्टील के अंतर्गत ये पांचों चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे अपन एक किसी प्लांट का टीएस काटते हैं तो ये जो बीच वाले भाग को अपन इस बीच वाले पार्ट को अपन बोलते हैं पिथ। पिथ से लगा हुआ चारों ओर होता है अपना जाइलम। जाइलम की बाहर की ओर होता है फिर फ्लोएम। फ्लोएम के बाहर साइड होता है सिंगल लेयर पेरिसाइकल और पेरिसाइकल के बाहर फिर ये हो गया इंडोडर्मिस। फिर इंडोडर्मिस के बाहर होता है अपना कॉर्टेक्स और सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। तो स्टील में बीच में पिथ होता है। पिथ के बाहर की साइड जाइलम, जाइलम के बाहर की साइड फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर की साइड पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाहर की साइड इंडोडर्मिस, फिर इंडोडर्मिस के बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है, सबसे बाहर की ओर होता है एपिडर्मिस। अब इसके टाइप्स अपन को देखने हैं। तो स्टील्स के अगर टाइप की बात करें तो सबसे पहला जो स्टील आता है उसे अपन बोलते हैं प्रोटो स्टील। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, प्रोटो का मीन्स होता है, यहाँ पर प्रोटो का मीन्स होता है प्रिमिटिव या फर्स्ट, और सबसे पहला स्टील कौन सा स्टील कहलाएगा, प्रोटो स्टील। ठीक है, तो प्रोटो स्टील को सबसे सिंपल तरीके से ये जाना जाए, मतलब सबसे इजी वे में इसको ये समझ लो आप कि इस प्रोटो स्टील में जो पिथ वाला पोर्शन है जो अपन ने यहाँ पर देखा था, तो पिथ इनमें क्या होता है, इनमें पिथ अब्सेंट होता है। तो पिथ अब्सेंट होगा तो बीच वाले भाग में क्या होगा, इस बीच वाले भाग में पिथ के स्थान पे जाइलम होता है और जाइलम के बाहर चारों ओर क्या होता है, फ्लोएम, फिर फ्लोएम के बाहर की ओर पेरिसाइकल, फिर उसके बाहर की ओर इंडोडर्मिस। तो
प्रोटो स्टील में क्या था कि पिथ टोटली एब्सेंट है, पिथ के स्थान पर चारों, पिथ के स्थान पर जाइलम होता है, जाइलम के चारों ओर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम के बाहर के साइड पेरिसाइकल। तो प्रोटो स्टील फर्स्ट स्टील था, ये प्रिमिटिव स्टील है और इस स्टील में पिथ टोटली एब्सेंट था, पिथ के स्थान पर जाइलम था, सेंटर पार्ट में जाइलम, जाइलम के बाहर की ओर चारों तरफ ऐसे फ्लोएम घेरे हुए हैं और फ्लोएम के बाहर चारों ओर फिर पेरिसाइकल आता है। ठीक, अब अगर प्रोटोस्टील की बात करें तो प्रोटोस्टील भी दो टाइप के हैं, इसके टू टाइप्स हैं। तो टू टाइप्स इसके सिंपल सिंपल टाइप्स हैं। तो एक टाइप को अपन बोलते हैं यहाँ पर हैप्लो, हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील क्या है? हैप्लो स्टील की बात करें तो हैप्लो स्टील में जो जाइलम था, यहाँ पर जो जाइलम है हैप्लो स्टील में, जाइलम क्या होगा, ये जाइलम है, जाइलम चिकना हो जाएगा। तो हैप्लो स्टील में जाइलम होगा, चिकना हो जाएगा और इसके चारों ओर क्या होंगे, इसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाएगा, मतलब जाइलम स्मूथ हो जाएगा और उस स्मूथ जाइलम को चारों ओर से घेरे हुए फ्लोएम होगा। सेकंड है इसमें एक्टिनो स्टील। हैप्लो स्टील में जाइलम स्मूथ हो जाता है और उसके चारों ओर फ्लोएम हो गया। अगर इसका एग्जांपल, सॉरी, इसका एग्जांपल है राइनिया। राइनिया को ये एक फॉसिल टेरिडोफाइट्स है, ये फॉसिल टेरिडोफाइट्स है। अब एक्टिनो स्टील की बात थी, तो एक्टिनो स्टील में एक्टिनो स्टील की बात करें तो एक्टिनो स्टील में जाइलम टूट के, जाइलम टूट जाता है, जाइलम टूट के स्टार शेप्ड बना देता है, जाइलम टूट के स्टार शेप्ड बनाता है, मतलब स्टार शेप्ड हो जाता है, ये जाइलम है। और जाइलम के चारों ओर ग्रुप में फ्लोएम पाए जाते हैं। तो एक्टिनो स्टील में ये ध्यान रखना कि जो जाइलम है वो टूट के स्टार शेप्ड जाता है, तो जाइलम स्टार शेप्ड हो जाता है और फ्लोएम उसके चारों ओर पाया जाता है, जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम। एग्जांपल में लाइकोपोडियम की एक स्पीसीज है लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम सेरेटम और साथ ही साइलोटम। तो प्रोटोस्टील के दो टाइप हो गए। पहला टाइप था हैप्लो स्टील, तो हैप्लो स्टील में जो जाइलम था चिकना था, उसके चारों ओर फ्लोएम था, उसका एग्जांपल था राइनिया, जिसको अपन लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। दूसरा है अपना एक्टिनो स्टील। तो एक्टिनो स्टील में क्या होता है, जाइलम जो चिकना था वो टूट के स्टार शेप्ड हो जाता है, स्टार शेप्ड हो जाता है, उसके चारों ओर क्या हो जाता है, उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। इसका एग्जांपल हो गया लाइकोपोडियम सेरेटम और